हाँ जी भाई, तो वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युवा कबड्डी सीरीज खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का लास्ट मैच और टूर्नामेंट की बात करें तो मैच नंबर 69 जो कि खेला जाएगा पलानी टस्कर्स वर्सेज नीलगिरी नाइट्स के बीच में। अब देखिए, जो स्टार्टिंग के दो राउंड यहाँ पर खेले गए हैं, सर्वाइवल 1 और सर्वाइवल 2, इन दोनों राउंड में भाई नंबर 1 और नंबर 2 टीम यही दोनों थी। लेकिन आज से भाई नया राउंड स्टार्ट हुआ है, बूस्टर राउंड, जिसमें इनका पहला मैच है। तो दोनों ही टीम्स भाई अपनी पोजीशन को कायम रखना चाहेंगी। और यहां पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि दोनों टीम्स भाई यहां पर काफी शानदार है, तो यहां पर आपको टीम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। रीजन है उसका, क्योंकि देखिए अगर आपको यहां पर टीम बनानी है ना, तो आपको 8 से मतलब जैसे अपने को 7 प्लेयर लेने, लेकिन आपको यहां पर भाई 10 से 12 प्लेयर अच्छे दिख जाएंगे। क्योंकि जब दोनों ही टीम टॉप क्लास परफॉर्मर होती है ना, तो वहां पर क्या होता है भाई कि आपको अच्छे प्लेयर बहुत ज्यादा मात्रा में दिखते हैं। तो वहां पर भाई किसके ऊपर रिस्क लेना और क्यों रिस्क लेना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और वो आप डिसाइड कैसे करोगे, जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि मैं यहां पर आपको फैक्ट टू फैक्ट सारी चीजें समझाने वाला हूं। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो सबसे पहले भाई यहां पर स्टार्ट करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 से। लेकिन 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 उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है ना, तो कर लीजिएगा। क्योंकि यहां पर आप पहले कल की विनिंग देख लीजिए, फिर आपको मैं एक दिन और पहले की विनिंग दिखा देता हूं, यानी कि परसों की विनिंग भी आपको यहां पर दिख रही होगी। यहां पर आप परसों की विनिंग भी देख सकते हो। डेली आपको वन साइडेड अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवा रहा हूं, इससे ज्यादा भाई क्या चाहिए। और अब तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जिन्होंने पहली वाली वीडियोज आज के दिन की देखी होंगी उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने पहले वाली वीडियोज नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं आपके लिए अब क्रिकेट मैचेस भी कवर करूंगा, जो अभी 7-8 दिन से मैं नहीं कर रहा था बिजी शेड्यूल की वजह से, अब क्रिकेट मैचेस भी कवर होंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आज से या फिर कल से। मैं क्रिकेट के भी ऑलमोस्ट सारे मैचेस एक्सपेक्ट T10 उनको भाई यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट T10 यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और आपका भाई आपको लॉस में नहीं लेकर जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मैच के बारे में। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग 7 से। तो पलानी टस्कर्स की तरफ से चलेंगे, यहाँ पर भाई पी पलानी वेलो आपको दिखेंगे, जो लास्ट मैच में कंप्लीटली फ्लॉप जरूर रहे थे। लेकिन उससे पहले आप देखिए भाई यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 2 टैकल, यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे भाई 3 टैकल, और इससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, मतलब रह के अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप अपनी टीम में बैक कर सकते हो। इसके अलावा टी कालासामी, 2 ही मैच बंदे ने खेले और क्या गजब खेला है, मतलब खेला क्या है, पेला है सामने वाली टीम को बुरे तरीके से पेला है। यहां पर आप देखिए वन साइडेड विनिंग भाई करवाने वाले यहां पर परफॉर्मेंस थी, यहां पर हमारी टीम में थे, यहां पर हमारी टीम के VC थे, लगातार आपको विनिंग करवा रहे हैं और इस मैच में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ए रंगनाथन को भी मैं टीम में रखना चाहूंगा। तो देखिए इन 3 में से कोई 2 प्लेयर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहां पर यह रिस्क आपको लेना है कि देखिए अभी अगर रीसेंट फॉर्म देखो तो भाई रंगनाथन की ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पर आप देखिए रीसेंट फॉर्म इनकी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि लगातार परफॉर्मेंस ये ज्यादा देते हैं। पी पलानी वेलू की परफॉर्मेंस ज्यादा आपको लगातार नहीं दिखेगी, ठीक है, 1 या 2 मैच में लगातार परफॉर्मेंस फिर फ्लोप, यहाँ पर आपको 3-3, 4-4 मैच में, यहाँ पर आप देखिए 4-4, 5-5 मैच में आपको लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिख जाएंगी। तो अगर आप परफॉर्मेंस बेस पर जा रहे हो तो इनको रखो, अगर आप थोड़ा सेफ जा रहे हो तो भाई आप यहाँ पर इन 2 प्लेयर्स को रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें भाई यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो एम मुथैया को ऑलराउंडर सेक्शन शिफ्ट कर दिया गया है। इन ये देखिए भाई ये बंदा जब लगातार परफॉर्मेंस देता है तो किस लेवल की परफॉर्मेंस देता है। मेन काम डिफेंस का, ये पहले डिफेंस में ही था, लेकिन अभी यहां पर इस राउंड में इसे ऑलराउंडर सेक्शन में डाला गया है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा एस कानन मुकेश अगर खेलता है तो भाई मेरी टीम में जरूर रहेगा। 3 ही मैच में स्टार्टिंग 7 में आया, 3ों मैच में कमाल करके गया है। यहां पर आप देखिए लास्ट मैच में यहां पर था ना स्टार्टिंग 7 में, यहां पर हमने इसे कैप्टन दिया, यहाँ पर हमने अपनी टीम में वॉइस कैप्टन दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मैचेज है ना जिनमें आपको परफॉर्मेंस दिख रही है, ये भाई परफॉर्मेंस बहुत लो है, क्यों, क्योंकि भाई सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आया था। स्टार्टिंग 7 में जिस दिन आएगा फिर परफॉर्मेंस देगा, यहाँ पर स्टार्टिंग 7 में था, यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग 7 में था, 1 मैच यहाँ पर फ्लॉप हुआ है अभी तक 4 मैच में से, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। विश्वनाथ की बात करें तो अगर ये खेलता है तो ये भी आपके लिए डिसेंट परफॉर्मर हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जब 6 मैच खेले थे तो 4 मैच में गजब इन्होंने किया था।
एस संजीवी ने पहले मैच से ही धमाका मचाना स्टार्ट कर रखा और यहाँ पर ये लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये अगर खेलते तो अपनी टीम में इंपॉर्टेंट जरूर रह सकते हैं। एन नागराजन कोई चांस नहीं है, कोई रीजन नहीं है इनको ड्रॉप करने का, 100% मेरी टीम में रहेंगे, ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर भाई एन नागराजन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इवन सीबीसी के भी कैंडिडेट रहेंगे, साथ ही साथ एम रामकुमार को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इन्हें आप यहाँ से ड्रॉप कीजिए। इसके अलावा एस शक्तिवेल की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, उसके अलावा कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं इनकी टीम से। बात करते सामने वाली टीम की, यानी कि भाई यहाँ से बात करें अगर नीलगिरी की, तो एम सेल्वम लगातार अच्छा कर रहा है, पहले ऑलराउंडर सेक्शन में था, अब यहाँ पर रेडिंग सेक्शन में आ गया, अपने लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 100% ट्राई करके चलेंगे। के हैरिस की बात करें, स्टार्टिंग के मैचेस में गजब परफॉर्मेंस देने के बाद बीच में कुछ थोड़े से मैचेस खराब गए और अभी लास्ट मैच खेला नहीं था, अगर खेलता है तो अगेन आपके लिए एक डिसेंट परफॉर्मर हो जाएगा। एस सेल्वम लास्ट के 3-4 मैच खेले और उनमें ही भाई बंदे ने कहर बरपा रखा है, आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑलमोस्ट आप देखिए हर मैच में परफॉर्मेंस है, जब स्टार्टिंग 7 में आएगा तो 100% टीम में रहेगा क्योंकि रेडिंग और डिफेंस दोनों कर दे रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट लिस्ट में जिस मैच में रहेगा, जैसे यहां पर सब्स्टिट्यूट लिस्ट में था, परफॉर्मेंस दी लेकिन हमने टीम में नहीं लिया, उससे पहले आप देखोगे सब्स्टिट्यूट लिस्ट में था फिर भी हमने टीम में नहीं लिया, यहां पर आप देखोगे सब्स्टिट्यूट लिस्ट में था हमने टीम में नहीं लिया, जैसे स्टार्टिंग 7 में आया हमने टीम में रखा। वहीं अगर बात करें भाई यहां पर एक कृष्णा की, तो इन्हें भी आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो एस कानन आपको दिखेंगे जो भाई लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 4-5 मैच खेले और क्या कहर बरपाया भाई इन्होंने, 10 टच पॉइंट और 1 टैकल इन्होंने लास्ट मैच में निकाला। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर भाई कोई अच्छा प्लेयर और आपको ऑलराउंडर सेक्शन में इनकी तरफ से नहीं दिख रहा होगा। बात करें अगर डिफेंस की, तो इनका डिफेंस वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है पूरे इस जो युवा कबड्डी सीरीज की जो सारी टीम है उनमें, सबसे पहले एम सुधाई लामा, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, कवर की पोजिशन पर खेलेंगे, बड़े ही शानदार प्लेयर है। एम नेसामनी, ये भी भाई आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके देंगे, ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्मेंस देते आए हैं, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस को निकालकर, उसके बाद भाई जब एक बार परफॉर्मेंस आने लगी तो कंटिन्यू परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, यहां पर आप देखिए कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, उसके बाद फिर बीच में एक मैच खराब, फिर परफॉर्मेंस, मतलब जबरदस्त प्लेयर है, बैक कर सकते हो। एम वेलवन की बात करें, तो इन्हें भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, एक डिसेंट प्लेयर ये भी आपके लिए रहेंगे, मेरे हिसाब से आपकी टीम में जरूर रहने चाहिए। इसके अलावा एस श्रीनिवासन भी भाई लास्ट के कुछ ही मैच खेले और यहां पर हर मैच में परफॉर्मेंस है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाई इनकी टीम का डिफेंस बड़ा ही सॉलिड है, ठीक है। तो अब चलिए भाई बात करते हैं टीम की, तो टीम मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां से भाई 12 प्लेयर के आसपास हमारे पास अच्छे प्लेयर है, लेकिन 5 प्लेयर के ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा, वो ऑब्वियस सी बात है सभी को लेकर आएंगे, आपके ओपोनेंट भी लेकर आएंगे, लेकिन देखना ये रिस्क किसका कामयाब होता है। तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखाता हूं, अभी के लिए मैं यहां से भाई एम सुधाई लामा को टीम में रख रहा हूं, एम नेसामनी को टीम में रख रहा हूं, एम वेलवन को टीम में रख रहा हूं, और यहां से टी कालासामी को टीम में रख रहा हूं। ऑलराउंडर सेक्शन में हम चलेंगे तो यहां पर भाई मुथैया को टीम में रखेंगे, इसके अलावा यहां से भाई एस कानन को आप अपनी टीम में रख सकते हो। रेटिंग सेक्शन में अभी के लिए मैं एन नागराजन को टीम में रख रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा सेफ जाना चाहो तो एस कानन की जगह पर यहां पर आप मुथैया की जगह पर अगर आप चाहो तो सेल्वम को ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं मुथैया के साथ जा रहा हूँ, कैप्टनसी एन नागराजन के साथ जाएगी। वीसी की बात करें तो एम मुथैया को आप वीसी दे सकते हो, बट मैं इसके थोड़ा सा अलग एक डिफरेंशियल ऑप्शन मतलब ढूंढ रहा हूँ, और वो ऑप्शन है ना, या तो आप एम वेलवन के साथ जा सकते हो या टी कालासामी के साथ, अभी के लिए मैं वेलवन के साथ जा रहा हूँ। फाइनल टीम हो सकता है भाई कुछ अलग हो या कुछ डिफरेंट हो, तो अभी के लिए आप इस टीम को सेव करके रख लीजिएगा, कोई भी अगर चेंजमेंट होता है, कुछ भी अगर अपडेट आते हैं, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। मैं मिलता हूं मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।